वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में छात्रा की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश, बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से घायल छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ में गला रेत कर छात्रा की हत्या करने की कोशिश की गई। अभी हाल ही में कमिश्नरी सिस्टम लखनऊ में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन अभी कानून व्यवस्था कितनी पुख्ता है उसका नजारा इस खबर से आप समझ सकते हैं कि घायल छात्रा की हालत गंभीर है, गला रेतने की कोशिश की गई। अरुण चतुर्वेदी इस वक्त हमारे संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद हैं। अरुण, पूरा मसला क्या है? ये घायल छात्रा गंभीर बताई जा रही है, गला रेतने की कोशिश किसने की? जी, मैं आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ के चिन्हा थाना क्षेत्र में कमता चौराहा पड़ता है, जहां पर एक हॉस्टल में दिन दहाड़े एक छात्रा जो पढ़ाई करती थी वहां पर कमरे में घुस के एक युवक ने गला रेत उसका रेत दिया। वहां पर छात्रा चिल्लाई तो आसपास की और जो गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा थी वो जब तक मौके पर दौड़ी तब तक युवक मौके से फरार हो चुका था। जो आनंद फानन में जो हॉस्टल की और छात्रा थी मेडिकल थी उनको तुरंत पुलिस को सूचना थी, पुलिस के साथ जो उसको मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े एक युवक ने गर्ल्स हॉस्टल में घुस कर और एक छात्रा के गला रेत दिया, उससे पूरे राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हाथना जो हालत है जो छात्रा की वो गंभीर बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कहा क्या जा रहा है अरुण? एक तरफा प्यार का कोई मामला और आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में या पुलिस की गिरफ्त से बाहर? देखिए, आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जो हॉस्टल में और छात्रा है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर मामला क्या है, क्या आरोपी जो है ये क्या लड़की को जानता था, आखिर किस वजह से ये वारदात हुई। लेकिन जिस हिसाब से दिन दहाड़े गला रेत दिया गया उससे पूरे माहौल में पूरे जो एरिया है वहां पर दहशत का माहौल है और कम मचा हुआ है कि दिन दहाड़े। शुक्रिया अरुण चतुर्वेदी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।